तो हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ 2400 घंटे जुटा हुआ है और सीएम खुद फील्ड में उतरकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने शिविरों में पहुंचकर प्रभावितों से भेंट की और उनका स्वास्थ्य जाना। हमारा प्रथम चरण था जो रेस्क्यू का था, जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया। अपने नंगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50,000 पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं। मेरा मानना है कि शाम तक हम 80% पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल होंगे। बिजली की सप्लाई हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में शुरू कर दी है। पानी की सप्लाई हमने टेम्परेरी शुरू कर दी है और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की सप्लाई है वो टेम्परेरी शुरू कर दी है। लेकिन जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें आ रही हैं, मेरे आंकलन के हिसाब से अभी 4,000 करोड़ है। कल मैं असेस करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है और हमारी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। वहाँ अभी तक हमारे 7 लोग तो पहुंच गए हैं। हमने 2 मिनिस्टर जगत नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, CPS जो संजय बस्ती है, उनको लोसर में उतारा, क्योंकि मैं खुद देख के चंद्रताल को आया हूं। चारों तरफ से बर्फ है, हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सकता, ना हेलीपैड है। तो वहां हम ग्रिफ के माध्यम से, BRO के माध्यम से और JCB लेकर मंत्री जा रहे हैं। मंत्री जो हमारे गए हैं उनको भी अभी 14 किलोमीटर पैदल चलना है, पर वो JCB में बैठकर रास्ता खुलाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तकरीबन 250 के करीब पर्यटक हमारे फंसे हैं। उन पर्यटकों को निकालने का दायित्व